दोस्तों बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइंस ने ना सिर्फ अपने डांस बल्कि अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। बीते दिनों टेरेंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में टेरेंस पर नोरा को गलत ढंग से छूने का आरोप लगा था, जिसको लेकर वो काफी ट्रोल भी हुए थे। सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें जमकर खड़ी खोटी भी सुनाई थी। वहीं अब टेरेंस ने इस पर रिएक्ट किया है और पहली बार अपनी बात रखी है। टेरेंस लुइस हाल ही में मनीष पॉल के पॉडकास्ट शो बतौर गेस्ट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई सारी बातों का खुलासा किया। इस दौरान टेरेंस से उनके और नोरा के वायरल वीडियो के बारे में भी सवाल पूछा गया। इस पर रिएक्ट करते हुए टेरेंस ने सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जब मलाइका को कोविड हुआ था, उस वक्त नोरा बतौर स्पेशल गेस्ट आई थी। उसी एपिसोड में शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी भी पहुंची थी। ऐसे में गीता कपूर ने कहा था कि हम सभी उन्हें नमस्कार करते हुए उनका वेलकम करेंगे। हालांकि टेरेंस ने साफ इनकार कर दिया था। टेरेंस से जब नमस्कार करते हुए नोरा को गलत ढंग से छूने की बात पूछी गई, तब उन्होंने कहा, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरा हाथ नोरा को छुआ था और मुझे तो सच में पता ही नहीं कि कब मेरा हाथ नोरा को लग गया या नहीं। सच कहूँ तो नोरा 2 हफ्ते पहले शो में आई थी और मुझे उनके साथ डांस करने के लिए कहा गया था। मैं ऐसा क्यों उनके साथ करूँगा जबकि वहाँ 4 कैमरे आसपास लगे थे। मुझे बिना किसी मतलब के ही गालियाँ पड़ी है। ये वाकई बहुत ही घटिया बात है। तो ये दोस्तों टेरेंस लुई के साथ इस बयान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले।